हर अच्छी चीज बलिदान मांगती है, हमसे हमारा वो कीमती वक्त मांगती है जिसे हम बेख्याली में न जाने किस पर और कहां यूं ही बर्बाद करते चले जाते हैं। उस कीमती वक्त का वो हमसे हिसाब मांगती है। नींद जरूरी है, लेकिन बस उसी का सबसे ऊपर होना हमारे जीवन को हमेशा के लिए सुला सकता है। हमारे ना चाहते हुए भी हमारे कर्मों को हमारे ही खिलाफ मोड़कर हमें भाई अच्छी तरह से रुला सकता है। मगर वो कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। इस सोने जागने के खेल में ही जिंदगी का सारा ज्ञान छुपा हुआ है, और उस मंजिल तक पहुंचने का रहस्य इसी जिंदगी में पता करना हमारा यानी कि तेरा और मेरा काम है। और वो सोते सोते तो भगवान तेरे कान में फुसफुसाने नहीं आएगा। उस सूरत से आगे चलकर जब हनुमान जी ने भी ज्ञान प्राप्त किया था, तो तू और मैं किस खेत की मूली है भाई, हमें भी वही करना पड़ेगा। और उस सूरज को उगते हुए देखने के मौके इस जीवन में कितनी बार मिलेंगे। कभी कभी तू सोता रह जाएगा तो कभी कभी उसके सामने बादल आ जाएंगे। बिस्तर में पड़े पड़े अपने अलार्म की पीठ थपथपाने से तो मंजिल खुद चलकर आने से रही दोस्त। उस आराम को छोड़कर उससे बाहर निकलकर नीचे उस फर्श पे पांव रखने पड़ते हैं। बार बार वापस सो जाने को बोलने वाले इस दिमाग को चुप करके एक एक दिन करके ये छोटे छोटे बलिदान हमें बहुत बड़े करने पड़ते हैं। बलिदान, सेक्रीफाइस, त्याग, ये बस शब्द नहीं है, इनमें कहीं बहुत अंदर एक जादू छुपा है। जैसे तू बस खाना खाता है लेकिन तेरा शरीर उसके साथ क्या करता है तुझे उस बात पर ध्यान तक नहीं देना पड़ता, वैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करने का परिणाम कब आएगा इस बात पर तेरा ध्यान नहीं होना चाहिए। नेकी कर, कुएं में डाल। तेरा काम है मुश्किल काम को इतना कर जाना कि वो बाकी सब के लिए कितना भी मुश्किल हो मगर तेरे लिए धीरे धीरे आसान होता चला जाना चाहिए। मुश्किल काम कभी आसान नहीं होता, मगर हम उसको कर करके उसको आसानी से कर जाने का वो जादू अपने अंदर जरूर ला सकते हैं। रास्ते हमेशा उतने ही लंबे रहेंगे, हमें तेज दौड़कर या उड़कर कैसे भी करके उन्हें जल्दी पार करना आना चाहिए।